अगर आपने किसी दुकान या रेस्टोरेंट से कुछ सामान खरीदने गया है तो आपको भी कुछ इस टाइप का स्लिप देखने को मिलेगा। और आपने उस दुकान या रेस्टोरेंट से क्या क्या खरीदा है, सारे सामान का नाम यहाँ पर देखो, नेम ऑफ आइटम मतलब यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, एंड सारे सामान का अमाउंट यहाँ पर डाला हुआ रहेगा, एंड यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का स्लिप आप कैसे घर बैठे आपके मोबाइल फ़ोन की मदद से डिजाइन करोगे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर आपको MS Word एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, क्लियर ना? तो आप प्ले स्टोर से इस MS Word एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। MS Word को डाउनलोड करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम के लिए ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ परमिशन मांगा जाएगा। आप जब सारे परमिशन को अलाउ कर दोगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कोने में एक प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा। तो आपको ये वाला प्लस वाला आइकन के ऊपर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन देखने को मिला है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। देखो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करना है। होम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लेआउट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। लेआउट वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर मार्जिन वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरा मार्जिन कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे मार्जिन जीरो करना है सबसे पहले, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा मार्जिन वाला सेक्शन पर। मार्जिन वाला सेक्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे चला जाऊँगा, एंड देखो यहाँ पर मेरे सामने कस्टम मार्जिन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। कस्टम मार्जिन वाला सेक्शन पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर मेरा मार्जिन 1:1 करके डाला हुआ है, देखो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं सारे मार्जिन को जीरो कर दूँगा, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं 1 को क्रॉप करके जीरो कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी क्लिक करके जीरो कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके मैंने जीरो कर दिया। उसके बाद यहाँ से भी मैंने जीरो कर दिया। इसी तरह से आपको भी कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले फिर से यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद होम बटन पर क्लिक करना है। होम बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर लेआउट वाला सेक्शन पर क्लिक करना है। लेआउट वाला सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर एक साइज वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको साइज वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सबसे छोटा वाला साइज मतलब देखो A5 वाला साइज पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर, देखो मेरा पेज बिल्कुल A5 में आ चुका है जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे करना क्या है, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे डबल क्लिक करूँगा। देखो मेरे सामने कीबोर्ड यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो इसी तरह से आप भी डबल क्लिक करोगे तो आपका कीबोर्ड निकल के आ जाएगा। उसके बाद लिखना है, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगा देख लेता हूँ। देखो जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि रेस्टोरेंट नेम हियर, क्लियर ना? तो आपका जो रेस्टोरेंट या दुकान का नाम है आप उसको डाल देना, ठीक है? वही नाम को डाल देना। तो इस स्लिप में जो डिटेल्स डाला हुआ है मैं वही डिटेल्स को देख के डाल देता हूँ, आप इसको देख के अच्छे से समझ लेना। उसके बाद आपका रेस्टोरेंट का नाम के हिसाब से आप यहाँ पर चेंज कर लेना। उसके बाद यहाँ से एड्रेस को चेंज कर लेना। तो आइए मैं वहाँ पर लिख के आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर देखो दिखाई दे रहा है कि रेस्टोरेंट नेम हियर, ठीक है? तो मैं वहाँ पर लिखता हूँ यही चीज़। देखो यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ डबल क्लिक, उसके बाद कीबोर्ड निकल के आ चुका है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कैपिटल में रेस्टोरेंट नेम हियर, RESTU रेस्टोरेंट NAME नेम हियर। देखो यहाँ पर ऊपर में मैंने लिख दिया रेस्टोरेंट नेम हियर। उसके बाद मतलब उस राइटिंग के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ देखो सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरह से खींच के मुझे पूरा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, एंड यहाँ पर मुझे ए वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ देखो मेरा राइटिंग बिल्कुल मिडिल में आ चुका है, क्लियर ना? तो इसी तरह से आपको भी करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर इस साइड में एक बार क्लिक कर रहा हूँ मतलब राइट साइड में। उसके बाद यहाँ पर एंटर बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लियर? देखो एंटर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसके नीचे आ चुका है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है मैं देख लेता हूँ। उसके नीचे लिखा हुआ है CSCSH-Bill, तो मैं वही चीज़ें लिख रहा हूँ CSCSH-Bill। आपको भी इसी तरह से लिखना है, क्लियर? उसके बाद देखो आपको नीचे अंडरलाइन डालने के लिए देखो यहाँ पर यू के नीचे अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, मतलब सबसे पहले इस राइटिंग को पूरा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर यू के ऊपर एक बार क्लिक करना है तो नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। देखो जैसे कि मेरे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं राइटिंग का फ्रंट लास्ट में बदलूंगा, ठीक है? सबसे पहले मैं सब कुछ जैसे उस स्लिप में दिखाई दे रहा है सब कुछ उसी तरह से फिल कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है मैं देख लेता हूँ। देखो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर फोन नंबर, तो मैं वही चीज़ें वहाँ पर डालता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद होम बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद इंसर्ट वाला बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करना है, एंड देखो यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स निकल के आ चुका है। टेक्स्ट के ऊपर मतलब बॉक्स के ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, पूरा सिलेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ से मैं क्रॉस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ,
देखो क्रॉस बटन पे क्लिक कर दे, पूरा क्रॉस हो चुका है, क्लियर ना। अभी मैं स्क्रीन पे साइड में एक बार टच करूंगा, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर टच कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर मेरे सामने ये वाला ऑप्शन निकल के आ चुका है, तो यहां पर क्लिक करके आप खींच के कहीं पर भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां से कर रहा हूं, क्लियर ना। और यहां पर जो कोने वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहां से आप खींच के इसको बड़ा भी कर सकते हो इस तरह से, क्लियर ना। तो मैं अपने हिसाब से यहां पर इसको बड़ा कर लेता हूं। उसके बाद इस बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूं, देखो कीबोर्ड निकल के आ चुका है। सबसे पहले मैं लिखूंगा, देख लेता हूं क्या लिखा हुआ है, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर फोन नंबर, ठीक है। तो मैं वही चीज़ें डालता हूं। सबसे पहले कस्टमर नेम CUS कस्टमर NAM नेम, उसके बाद लिखा हुआ है कस्टमर एड्रेस CUS कस्टमर एड्रेस ADD एड्रेस, उसके बाद लिखा हुआ है कस्टमर फोन नंबर CUS कस्टमर, उसके बाद PH, और यहाँ से मुझे डॉटेड कर देना है। तो सबसे पहले बी कॉलम प्रेस कर रहा हूँ, डबल डॉट आ चुका है, उसके बाद एक बार स्पेस, उसके बाद इस तरह से डॉट डाल रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी करना है, देखो कर लिया। उसके बाद यहाँ पर बी को लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, डबल डॉट आ चुका है, उसके बाद एक बार स्पेस, उसके बाद डॉट, उसके बाद यहाँ पर बी को लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, एक बार स्पेस, उसके बाद डॉटेड, उसके बाद इसको अच्छे से छोटा कर लेता हूँ, देखो इसी तरह से। तो आपको भी इस तरह से करना है। बाद में मैं हैंड राइटिंग का फ्रंट को चेंज कर लूँगा, इतना क्लियर। उसके बाद देख लेता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग में डेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं ऊपर में डेट डाल देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करूँगा, ऊपर में मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। देखो रेस्टोरेंट नेम के जगह पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो इस साइड में आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके मैं एंटर कर रहा हूँ, देखो एक बार एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद ऊपर में मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद होम बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, एंड यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स को ले रहा हूँ, क्लियर। टेक्स्ट बॉक्स को ले लिया, उसके बाद बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, पूरा सिलेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ से मैं क्रॉस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, क्रॉस बटन पर क्लिक करने के बाद देखो क्रॉस हो चुका है। उसके बाद मैं स्क्रीन पर एक बार साइड में टच करूँगा, उसके बाद फिर से बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे सामने यहाँ पर इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। एंड यहाँ से मैं देखो यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट वाला सेक्शन पर क्लिक करूँगा, देखो बिहाइंड टेक्स्ट वाला सेक्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं इस सेक्शन पर क्लिक करके मैं खींच के साइड में लेके जा रहा हूँ, देखो इस तरह से। तो आपको भी इसी तरह से करना है, क्लियर। मैं इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, और भी जूम कर रहा हूँ। एंड यहाँ से मैं डेट को लिखूँगा, देखो डबल क्लिक कर रहा हूँ एंड डेट लिख रहा हूँ DATE। उसके बाद भी को लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, एक बार स्पेस, उसके बाद डॉटेड मार रहा हूँ। आपको भी इसी प्रोसेस को अप्लाई करना है, ठीक है ना। देखो मैंने डेट को डाल दिया, उसके बाद इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा छोटा हो चुका है। मैं सबसे पहले अच्छे से यहाँ से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद वहाँ पर बैठा देता हूँ। देखो अच्छे से बैठ गया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। देखो उसके बाद यहाँ पर मतलब रेस्टोरेंट का डिटेल्स डाला हुआ है, जैसे कि एड्रेस डाला हुआ है, ठीक है ना। तो मैं वही डिटेल्स डालता हूँ। तो सबसे पहले फिर से मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर होम बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, होम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इंसर्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स को लूँगा। देखो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर फिर से क्लिक कर रहा हूँ, एंड बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, एंड यहाँ से मैं क्रॉस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो क्रॉस हो चुका है। स्क्रीन पर एक बार टच कर रहा हूँ, उसके बाद बॉक्स के ऊपर फिर से टच कर रहा हूँ, बॉक्स को खींच के मैं इस साइड में लेके आऊँगा, सबसे इस साइड में देखो लेके आ गया। उसके बाद बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं वही डिटेल्स को डालूँगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शामसी रोड मालदा, तो मैं डाल रहा हूँ SAMSI शामसी रोड मालदा। उसके नीचे लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ, restaurant@gmail.com। तो यहाँ पर आपका जीमेल एड्रेस आप डाल देना, जैसे कि मैं नॉर्मल यहाँ पर डाल रहा हूँ restaurant@gmail.com डाल दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है मैं देख लेता हूँ, उसके बाद लिखा हुआ है www.restaurant.com। तो अगर आपका भी कोई वेबसाइट है तो आप डाल देना वेबसाइट का एड्रेस, जैसे कि यहाँ पर डाल रहा हूँ www.resturant.com। देखो डाल दिया, उसके बाद उसके नीचे फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी फ़ोन नंबर आप डाल देना, जैसे कि प्लस लिखा हुआ है, प्लस
9 1 उसके बाद हाइफ़न, उसके बाद मोबाइल नंबर। एग्जांपल के तौर पे डाल देता हूँ 6 2 1 2 1 4 1 5 1 3, कितना हुआ 2 4 6 8 10 हो चुका है। क्लियर, मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। क्लियर, तो इस तरह से आपको भी करना है, इसको सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा साइड पे लेके चलूँगा। देखो रुको एक सेकेंड, इस तरह से मैं सिलेक्ट करके साइड में लेके आ रहा हूँ, देखो हो गया ना। उसके बाद मुझे क्या करना है मैं देख लेता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर टेबल दिखाई दे रहा है, तो टेबल को मैं लास्ट में इंसर्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इस चीज़ को एंड इस चीज़ को इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर टेबल को पहले इंसर्ट कर लूँगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए यहाँ पर इन सिग्नेचर वाला सेक्शन को पहले इंसर्ट कर रहा हूँ एंड लास्ट में इस टेबल को इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं नीचे क्लिक करूँगा, देखो नीचे क्लिक कर रहा हूँ एंड नीचे आ रहा हूँ। एक काम कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर मेरा बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है, हर एक जगह पर। तो मैं इस बॉर्डर को मतलब हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, देखो सिलेक्ट हो चुका है एंड मैं बॉर्डर को हटाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर देखो सेप स्टाइल वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मैंने सेप स्टाइल वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ से स्क्रॉल करना है एंड आपको ए वाला सेप्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लियर, तो मैं यहाँ पर पहला वाला के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। देखो अभी स्क्रीन पर टच करूँगा तो बॉर्डर यहाँ पर हट जाएगा, देखो स्क्रीन पर क्लिक किया तो देखो बॉर्डर अभी नहीं आ रहा है। इस तरह से मैं तीनों सेप्स के ऊपर क्लिक करके बॉर्डर को हट रहा हूँ। सेप्स के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेप्स स्टाइल वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आपका सेप्स सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से आपको ये वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा देखो बॉर्डर भी हट जाएगा, देखो हट गया ना। उसी तरह से ऊपर वाला डेट वाला सेक्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर सेप्स स्टाइल वाला सेक्शन पर क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पर क्लिक करने के बाद बार बार क्लिक करने से वो वाला आइकन मेरा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा हट चुका है बॉर्डर, में स्क्रीन पे टच कर रहा हूँ, देखो बॉर्डर हट गया है। तो इसी तरह से आपको भी बाद में बॉर्डर को हटा लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बॉर्डर हटा के दिखा दिया। क्लियर, उसके बाद मुझे नीचे यहाँ पर क्लिक करना है, नीचे आ जाना है, देखो इसी तरह से जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब स्क्रीन पर टच करना है, उसके बाद यहाँ से एंटर बटन पर बार बार क्लिक करना है। देखो इस तरह से आपका भी नीचे आता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद मुझे क्या करना है, 1 2 3 पे एक बार क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं 1 2 3 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सिंबल वाला सेक्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। सिंबल वाला सेक्शन पर क्लिक करने के बाद मैं ये वाला सिंबल को बार बार ले रहा हूँ, ठीक है ना। देखो आपको भी इसी तरह से लेना है, बार बार ले लेने के बाद आपको आइडिया करके मिडिल पे क्लिक करना है। मिडिल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्पेस वाला बटन पे क्लिक करना है, देखो इस तरह से आपका सेपरेट हो जाएगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में चला जाना है एंड यहाँ पर आपको एंटर बटन पे क्लिक करना है, देखो। उसके बाद मैं क्रॉस बटन करके साइड में आ गया, उसके बाद इस तरह से यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैं देख लेता हूँ, आर सिग्नेचर, ठीक है, आर डॉट सिग्नेचर, तो मैं वही डाल रहा हूँ वहाँ पर, कैपिटल आर डॉट एस आई जी एन टी ओ आर सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से स्क्रॉल करके उस साइड में जा रहा हूँ बार बार स्पेस बटन पे क्लिक करके, देखो इस साइड में आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ मैं देख लेता हूँ, CUS डॉट सिग्नेचर, ठीक है, तो मैं डाल रहा हूँ CUS डॉट सिग्नेचर SIG सिग्नेचर, देखो यहाँ पर भी आ चुका है। उसके बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल करके इस साइड में लेके आना है, क्लियर, इस तरह से। और यहाँ पर भी करना है, यहाँ से क्लिक करके इस साइड में आना है और यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा क्रॉस बटन पे क्लिक करना है, देखो एडजस्ट हो गया है। इसी तरह से आपको भी एडजस्ट करना है, ठीक है ना। और मैं सबसे लास्ट में यहाँ पर इस साइड में इस तरह से आ गया,
देखो यहाँ पर लास्ट में मैंने क्लिक कर दिया, ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो लाइनिंग है और नीचे नाम लिखा हुआ है तो थोड़ा सा बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको कम करना है। तो कम करने के लिए इसी तरह से आपको लास्ट में आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर एक बार क्रॉस बटन पर क्लिक करना है। क्रॉस बटन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो इस टाइप का आ गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आर के बगल में क्लिक कर रहा हूँ इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो आपको भी इसी तरह से क्लिक करना है, उसके बाद स्पेस बटन पे बार बार क्लिक करते रहना है, ठीक है। देखो एक बार क्लिक कर रहा हूँ, दो बार कर रहा हूँ, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात, आठ, नौ, दस। देखो यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छी तरीके से एडजस्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अभी मुझे करना क्या है, मिडिल में मुझे टेबल डालना है, क्लियर। तो टेबल डालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर होम बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। होम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट वाला बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। इंसर्ट वाला बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो टेबल वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो मैं टेबल वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ और टेबल को खींच के मुझे यहाँ पर लेके जाना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये वाला सेक्शन के ऊपर, तो देखो यहाँ पर क्लिक करके मैं जहाँ पर भी लेके जाना चाहूँगा तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखो इस तरह से, क्लियर ना, देखो आ गया है। अभी इस टेबल को छोटा करना है, साइड में बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करके मतलब पेज की तरफ खींच के लेके जाऊँगा इस तरह से। देखो छोटा हो गया, क्लियर ना। और टेबल को मुझे मिडिल में करना है, साइड में हो चुका है, तो मिडिल में करने के लिए यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो टेबल सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके मैं होम बटन पर आ रहा हूँ, ठीक है। होम बटन पर आ जाने के बाद यहाँ से मैं मिडिल वाला सेक्शन पे सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले पूरा टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो टेबल के ऊपर लॉन्ग प्रेस किया, एक सेल सिलेक्ट हो चुका है, तो मैं पूरा सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं टेबल वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। टेबल वाला सेक्शन पर क्लिक करने के बाद होम बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। होम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं मिडिल वाला सेक्शन पर क्लिक करूँगा, जैसे ही टेबल मिडिल में आ जाएगा, देखो आ गया ना। तो इसी तरह से आपको भी करके एडजस्ट करना है। उसके बाद स्क्रीन पर एक बार टच कर रहा हूँ, क्लियर। अभी यहाँ पर आ जाता हूँ, देखो यहाँ पर कितना लाइनिंग है मैं देख लेता हूँ। देखो इस साइड से एक लाइनिंग, दो लाइनिंग, तीन लाइनिंग, चार लाइनिंग, पांच लाइन है, और इस साइड से एक लाइनिंग, दो लाइनिंग, तीन लाइनिंग, चार लाइनिंग, पांच लाइन, मतलब दोनों साइड से पांच लाइनिंग है। मैं पांच लाइनिंग कर लेता हूँ। तो टेबल के ऊपर एक बार टच कर रहा हूँ, देखो इस तरह से टेबल के ऊपर मेरा मतलब सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नीचे की तरफ लाइनिंग बढ़ेगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो साइड की तरफ लाइनिंग बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो बार क्लिक कर रहा हूँ और दो लाइन बढ़ा लेता हूँ, क्लियर ना। मतलब टोटल पांच लाइनिंग लेना है इस तरह से। देखो यहाँ पर पांच लाइनिंग आ चुका है। अभी मैं इस यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो साइड में लाइनिंग आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्लिक टच कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग बढ़ाना है। तो सबसे पहले टेबल को छोटा कर लेता हूँ, तब अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं एक बार अंडो कर रहा हूँ और टेबल को और भी छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। देखो यहाँ पर क्लिक करके मैं टेबल को छोटा बड़ा कर रहा हूँ, देखो। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके साइड का दो लाइनिंग बढ़ा लेता हूँ, एक, दो, दो, देखो बढ़ चुका है। अभी इसको अच्छे से एडजस्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करके मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, देखो। इसी तरह से आपको भी करना है। अभी मुझे करना क्या है, ये वाला साइड वाला लाइन बहुत ही छोटा करना है। देखो यहाँ पर बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह से मैं भी छोटा करूँगा, ठीक है। तो देखो पूरा लाइन को सिलेक्ट करना है इस तरह से, और खींच के पूरा साइड वाला लाइन को सिलेक्ट करना है, सॉरी सिर्फ साइड वाला लाइन को, ठीक है। तो मैं छोटा कर लेता हूँ और साइड वाला लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, देखो इस तरह से। और पूरा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक आइकॉन इस टाइप का देखने को मिलेगा, इक्वल टू की तरह, तो इसके ऊपर टच करना है और इस तरह से आपको छोटा बड़ा करते रहना है। देखो मैंने जैसे कि छोटा अपने हिसाब से कर लिया, क्लियर। उसके बाद आपको करना क्या है, इस लाइनिंग को आपको बड़ा करना है, इस लाइनिंग को, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर टच कर रहा हूँ, देखो टच करने के बाद डबल क्लिक करूँगा एंड इस लाइनिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर इक्वल टू वाला बटन पर क्लिक करके इसको बड़ा कर रहा हूँ, देखो इस तरह से आपको भी करना है, क्लियर। अभी मुझे इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है, बहुत ही छोटा हो चुका है, तो इसके ऊपर एक बार क्लिक कर रहा हूँ एंड डबल क्लिक करके इस लाइनिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से अच्छे से एडजस्ट करके मैं बड़ा कर दिया, देखो इसी तरह से आपको भी करना है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाला जो लाइनिंग है इसको थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड इस तरह से खींच के पूरा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस साइड में इक्वल टू वाला बटन दिखाई दे रहा है,
तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, देखो इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला जो लाइनिंग है ना इसको बड़ा करना है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड पूरा को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर खींच के मैं इसको बड़ा कराऊँगा, देखो नीचे की तरफ खींच रहा हूँ एंड इसी तरह से आपको भी बड़ा करना है, क्लियर। और भी थोड़ा सा खींच के नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्लियर। उसके बाद ये जो तीनों लाइनिंग है इसको बहुत ही छोटा करना है, ठीक है। तो मैं ये वाला लाइनिंग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड पूरा को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ से खींच के ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो इस तरह से आपको भी करना है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद खींच के ऊपर की तरफ लेके जाना है, देखो लेके चला गया। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, पूरा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद खींच के ऊपर की तरफ लेके जाना है इस तरह से। आपको भी इसी तरह से एडजस्ट कर लेना, कितना अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे करना क्या है, इन तीनों लाइन को मर्ज करना है एक साथ में, तो इन तीनों को एक साथ में सिलेक्ट करना है इस तरह से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्लिक करना है एंड पूरा को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मर्ज सेल वाला सेक्शन। आपको मर्ज सेल वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक करना है, देखो उसके बाद मर्ज हो गया है। लेकिन अभी देखो यहाँ पर कोई भी लाइनिंग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मोबाइल में ऐसा होता है, ठीक है ना। अगर आप जब इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे, जब सेव करोगे तो आपका पूरा लाइनिंग आ जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो लाइनिंग है, लाइनिंग कहीं पे भी नहीं गया, देखो लाइनिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना इस तरह से। तो लाइनिंग अभी तक कुछ नहीं हुआ, लाइनिंग है, ठीक है। लेकिन जब छोटा करूँगा तो लाइनिंग दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल में मैं कर रहा हूँ सब कुछ। तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट मैं जो प्रोसेस दिखा रहा हूँ लास्ट में आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ एस डॉट एंड सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है मैं देख लेता हूँ, नेम ऑफ आइटम्स, ठीक है, तो मैं वही लिख रहा हूँ, एन ए एम नेम ऑफ आइटम्स, देखो लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है क्यू टी वाई, मतलब क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्यू टी वाई। उसके बाद लिखा हुआ है आर ए टी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर ए टी ई। उसके बाद लिखा हुआ है ए एम ओ यू एन टी, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अमाउंट, एम ओ यू एन टी, देखो लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है मैं देख लेता हूँ, देखो नीचे लिखा हुआ है टोटल, ठीक है, तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल, टी ओ टी एल। उसके नीचे लिखा हुआ है वी ए टी, मैं जूम कर रहा हूँ एंड यहाँ पर लिखूँगा वी ए टी। और उसके नीचे मैं देख लेता हूँ इन टोटल लिखा हुआ है, तो मैं लिख रहा हूँ आई एन इन टोटल, टी ओ टी ए एल, देखो लिख दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है, मैं देख रहा हूँ लिखा हुआ है अमाउंट इन वर्ल्ड, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ए एम ओ अमाउंट इन वर्ल्ड। उसके बाद आपको डबल डॉट करना है, उसके बाद एक बार स्पेस, उसके बाद आपको इस तरह से डॉटेड दे देना है, क्लियर, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद एंटर बटन पर क्लिक करना है और एक बार एंटर बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद कैसे डॉटेड देना है, देखो इस तरह से आपको करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाया, क्लियर। उसके बाद आपको करना क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला जो लाइनिंग है ये नीचे आ चुका है, तो इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो उसके लिए मैं स्क्रीन पे एक बार टच कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर टच कर दिया और क्रॉस बटन पे क्लिक करके मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। इसी प्रोसेस आपको भी अप्लाई करना है, देखो स्क्रीन पे आ चुका है ना। अभी मुझे करना क्या है, फ़ोन का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है, तो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरह से जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर होम बटन पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, क्लियर। देखो यहाँ पर क्लिक करने के बाद
आपको नीचे टाइम्स न्यू रोम वाला सेक्शन पे जाना है, ठीक है। टाइम्स न्यू रोम देखो, यहाँ पर आपको टाइम्स न्यू रोम दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा क्योंकि यहाँ से आपका हैंडराइटिंग थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है, क्लियर। उसके बाद मैं बोल्ट मोड में कर रहा हूँ, देखो बोल्ट मोड में कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, 11 सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है। 20 कर लेने के बाद यहाँ पर नीचे वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो नीचे वाला के ऊपर क्लिक कर दिया और इसको मैं बोल्ट मोड में कर रहा हूँ, देखो बोल्ट मोड में कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा आई वाला सेक्शन पे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं टाइम्स न्यू रोम लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, टाइम्स न्यू रोम के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद 11 सिलेक्ट किया, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके 18 कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 18 कर लिया। उसके बाद मिडिल में करना है, ठीक है। मिडिल में तो सिलेक्ट किया हुआ है, थोड़ा सा मैं साइड में लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो इस तरह से मैं स्पेस करके साइड में लेके जा रहा हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर यू बटन पर एक बार क्लिक करूँगा तो लाइन हट जाएगा, देखो लाइन हट गया बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद डेट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सॉरी, डेट के ऊपर टच कर रहा हूँ, डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टेप्स वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। स्टेप्स वाला सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर होम बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। होम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से टाइम्स न्यू रोम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। देखो टाइम्स न्यू रोम के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके 11 सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके 12 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे वाला लाइनिंग मेरा गायब हो चुका है, तो मैं उसको ठीक से अच्छे से एडजस्ट करता हूँ। देखो यहाँ से लाइनिंग के ऊपर मैं टच कर रहा हूँ एंड क्रॉस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ 2-3 बार, ठीक है। देखो ठीक हो गया, क्लियर ना। तो इसी तरह से आपको भी कर लेना है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, इस बॉक्स को। आपको नॉर्मल ये जो राइटिंग दिखाई दे रहा है इसको आपको 12 लेना है, ठीक है। तो मैं भी 12 लूँगा, देखो पूरा को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर टच करूँगा, यहाँ पर टच करने के बाद सेप्स वाला सेक्शन पर क्लिक करने के बाद होम बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं टाइम्स न्यू रोम 12 ले लेता हूँ, ठीक है। देखो 12 ले लिया, क्लियर। उसके बाद देखो कुछ लाइन गायब हो चुका है, तो मैं यहाँ पर ए वाला आइकन पर क्लिक करके नीचे की तरफ खींचूँगा, देखो सब कुछ दिखाई देगा। उसके बाद मैं इस डॉट के ऊपर टच करूँगा डबल क्लिक, उसके बाद क्रॉस बटन पर 2-3 बार क्लिक करूँगा तो ठीक हो गया। देखो इसी तरह से आपको भी करना है। क्लियर हो गया इतना बात। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है एंड पूरा को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, सेप्स वाला बटन पर क्लिक करना है, होम बटन पर क्लिक करना है, साइज टाइम्स न्यू रोम लेना है, उसके बाद यहाँ से 12 कर लेना है, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पर जो राइटिंग दिखाई दे रहा है मैं इसको पूरा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके टेबल वाला सेक्शन पर होम बटन पर एंड साइज में टाइम्स न्यू रोम लूँगा, उसके बाद यहाँ से मैं 12 ले लेता हूँ, ठीक है। उसी तरह से मैं नेम ऑफ आइटम वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके टेबल वाला सेक्शन पर क्लिक करके होम बटन पर क्लिक करके यहाँ से मैं टाइम्स न्यू रोम ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से 12 ले रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं सबको एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखते रहना।
बाद नीचे वाला लाइनिंग को सिलेक्ट करके मैं टिक कर रहा हूँ। देखो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से मैं टाइम्स न्यू रोमन ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से 12 कर लेता हूँ, उसके बाद बोल्ड कर लिया। ठीक है, देखो कितने अच्छे तरीके से मेरा बन के तैयार हो चुका है बिल पेपर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी करना है। एंड उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मेरा जो बिल पेपर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको अभी कलर चेंजेस करना है। तो कलर चेंजेस करने के लिए आपको करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं होम बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। होम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इंसर्ट वाला बटन पर क्लिक करूँगा। इंसर्ट वाला बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं सेप्स के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर। ठीक है, स्टेप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ए वाला स्टेप्स को ले लूँगा। देखो ए वाला स्टेप्स को ले लिया, उसके बाद देखो यहाँ पर एक फिल वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं फिल वाला सेक्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नीचे जाऊँगा तो देखो यहाँ पर मेरे सामने येलो कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो मैं इस येलो कलर को सिलेक्ट करूँगा। देखो येलो कलर को सिलेक्ट कर लिया तो येलो आ चुका है। उसके बाद मैं बैक बटन पर एक बार क्लिक करूँगा, इसको खींच के ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा इस तरह से। ठीक है, एंड पूरा को अच्छे से एडजस्ट करना है। ठीक है, देखो छोटा कर लिया एंड मैं इसको खींच के कोने में लेके जा रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी करना है, अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। क्लियर, इतना कर लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। देखो क्लिक कर दिया तो बिल्कुल अच्छे से मेरा बन के तैयार हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर टिक वाला बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इस टाइप का दिखाई दे रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर डेट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मुझे डेट को लाना है। क्लियर, तो मैं यहाँ पर एक बार पेंसिल वाला आइकॉन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखो पेंसिल वाला आइकॉन पर क्लिक कर दिया, उसके बाद इसको सिलेक्ट करूँगा पूरा को। ठीक है, देखो सबसे पहले इस पेज को मैं साइड में लेके जाता हूँ। ठीक है, देखो इसी तरह से मैं साइड में कर ले रहा हूँ एंड इस डेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पर क्लिक कर दे, उसके बाद नीचे की तरफ जाऊँगा एंड ए वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिया, अभी देखो डेट को दिखाई देगा अगर इससे हाइड कर दूँगा तो। रुको एक सेकेंड, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जो डॉटेड दिखाई दे रहे ना, इस डॉटेड को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। देखो डॉटेड देखें, मतलब फुल टू कर देता हूँ। देखो अभी अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं एंड मैं यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। रुको एक सेकेंड, इसी तरह से आपको भी डॉटेड को एडजस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कर लिया। अभी इस डॉटेड को आप चाहो तो बोल्ट मोड भी कर सकते हो, अगर बोल्ट कर लोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक बोल्ट वाला बटन दिखाई देगा, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके होम बटन पर आ रहा हूँ, देखो यहाँ पर मुझे बोल्ट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ डॉटेड को चूज करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से बोल्ट बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। देखो इसी तरह से ये वाला नीचे वाला डॉटेड को चूज करूँगा, बोल्ट मोड में क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ही स्क्रीन पे बोल्ट बटन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ का डॉटेड के ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ और बोल्ट मोड में कर रहा हूँ। देखो बोल्ट मोड में कर लिया। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से कर लेना। उसके बाद ये वाला जो येलो कलर दिखाई दे रहा है इसको मैं खींच के लेके जाऊँगा। ठीक है, देखो मेरा सिलेक्ट हो चुका है, इसको मैं खींच के कोने में लेके जाता हूँ, उसके बाद इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपको भी करना है। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको एक टिक वाला बटन दिखाई देगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो आपको टिक बटन पर क्लिक करना है, मैं टिक बटन पर क्लिक कर दिया। आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक CRH अटैचमेंट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको PDF वाला सेक्शन पर क्लिक करना है, PDF वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं PDF व्यूअर एप्लीकेशन को चूज कर रहा हूँ, ए वाला एप्लीकेशन को। ठीक है, देखो ए वाला एप्लीकेशन को चूज कर लिया, उसके बाद मेरे सामने कुछ इस टाइप का बिल पेपर निकल के आ चुका है और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रोसेस को अप्लाई करके आप भी इस टाइप का एक बिल पेपर को डिजाइन कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से पता चल चुका है एंड आप भी इस टाइप का बिल पेपर डिजाइन कर सकोगे। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद हेल्प मिल चुकी है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले कमल के वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय फ्रॉम मी, बी गुड टू गुड सेल एनीबडी, वी विल फॉलो।